एक पुराना कहानी है कि एक साधु रोज नदी में नहाने जाते थे। उधर से एक बिच्छू बहता हुआ आ रहा था। साधु ने अपना हथेली पर उस बिच्छू को उठा करके उसके प्राण दान दिए, लेकिन वो बिच्छू ने साधु के हाथ में डंक मार रहा था और साधु के हाथ से वो बिच्छू बार बार गिर रहा था और साधु बार बार उस बिच्छू को बचा रहे थे। तो एक व्यक्ति और नहाने गया, उसने पूछा कि बाबा आप इस बिच्छू को क्यों बचा रहे हैं, ये डंक मार रहा है। तो बाबा ने जवाब दिया कि बिच्छू का काम है डंक मारना और साधु का काम है जीवन दान देना। तो आज भारतीय जनता पार्टी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के लोगों के हित में काम करने में विश्वास करती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लंबे समय से एनडीए की सरकार चल रही है। गठबंधन की सरकार में जब भी कोई निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है तो उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी दलों की होती है। कोई इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता है। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कई बार कही है। लेकिन फिर भी कुछ भाजपा नेताओं को यह बात अगर समझ नहीं आती है तो यह उनकी समझ का फेर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार में जिस तरह से अराजकता है और जब से यह सरकार बनी है, एनडीए के जो आपस में मेन घटक दल हैं बीजेपी जेडीयू, अब ये लड़ाई बड़े भाई छोटे भाई से ऊपर उठ की सौतन की लड़ाई हो गई है, जिसमें बिहार की आम जनता पिस रही है। जब से ये सरकार आई है जन साहूकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है और पूरे टाइम ये लोग आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नूरा कुश्ती करे या लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन अब समय आ गया है कि जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दे, वरना अब समय दूर नहीं जब ये जनता इनको सबक सिखाएगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के प्रति समर्पण, विचारधारा के प्रति निष्ठा और सतत संघर्ष की बुनियाद पर ही बनता है। कोई बूथ अध्यक्ष भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। यहां कोई किसी के निजी पसंद से, चेहरे की पसंद से या फिर अन्य कारणों से उपजे हुए पसंद से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता है भाजपा में। और यही कारण है कि बीजेपी की राजनीति पॉलिटिक्स विथ अ डिफरेंस और बीजेपी इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। संजय जायसवाल जी ने जो बातें कही है इसको एक सजेस्टिव नोट पर हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? और इस तरह से अतिरेक भाव से प्रतिक्रिया जैसे कुंठा से उपजी हुई अभिव्यक्ति हो, ये किसी को नहीं करनी चाहिए। राजनीति की भाषा नहीं है। और हम सिर्फ इतना ही आग्रह करेंगे कि हम चीजों को गठबंधन में सजेस्टिव नोट पर भी स्वीकार करना सीखें तो बेहतर होगा।